अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट शौकीन, वेलकम हो गया आपके अपने चैनल आतिफ स्पोर्ट्स में। स्पीड मास्टर हारिस रऊफ ने अपनी तबाहकुन बॉलिंग से कैवीज़ बैट्समैनों के होश उड़ा दिए। आज के इस वीडियो में हम हारिस रऊफ के तेज तरीन बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। विक्रांत गुप्ता का हारिस रऊफ के हवाले से बयान सामने आया है, उसके बारे में बताएँगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस लाइव देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर भी दबा दें ताकि क्रिकेट की हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आप सबको पता ही है हारिस रऊफ पाकिस्तान का तेज तरीन बॉलर है और अपनी तबाहकुन बॉलिंग से बहुत से नामवार खिलाड़ियों को हारिस रऊफ ने परेशान किया है और पाकिस्तान ऐसे अपनी तेज़ तरीन बॉलिंग से बहुत से नामुमकिन पाकिस्तान को हारिस रऊफ ने मैच जितवाए हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के साथ आज के मैच में 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के ऑल राउंडर बैट्समैन जेमी निशम ने हारिस रऊफ से बदतमीज़ी की, जिसकी वजह से हारिस रऊफ को गुस्सा आ गया और अगली ही बॉल पर हारिस रऊफ ने उसे बोल्ड कर दिया और खिलाड़ी को पवेलियन की राह भेज दिया। और उसी ही ओवर में हारिस रऊफ ने दो और बैट्समैनों का शिकार किया। हारिस रऊफ के इस गुस्से से इंग्लिश बैट्समैन कांपने लग गए और कमेंट्री वाले भी हारिस रऊफ को दाद दी। दोस्तों, आपका हारिस रऊफ फेवरेट बॉलर है तो कमेंट में लाजमी बताएं। दोस्तों, इंडिया के साबिक क्रिकेटर विक्रांत गुप्ता का कहना है हारिस रऊफ ने पाकिस्तान का शाहीन के बाद हारिस रऊफ बेस्ट बॉलर है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि हारिस रऊफ अगर इंडिया के पास होता तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता। पाकिस्तान की इतनी तबाहकुन बॉलिंग है कि बैट्समैन तो वैसे ही डर जाते हैं। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सब टीमों से बेस्ट है, कोई टीम भी पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएं कि जसप्रीत बुमराह और हारिस रऊफ में कौन बेस्ट बॉलर है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली क्रिकेट की वीडियो आपको मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।